तो मैंने मुझे ना सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको लेके आ चुकी हूँ एक होटल वीडियो। तो हम अभी शुरू करते हैं। अभी कस्टमर नहीं आया है तो तब तक मैं आपको दिखाती हूँ मेरा होटल मैंने बनाया है वो। तो पहले हम कस्टमर के बैठने की जगह पे जाएंगे। तो ये है कस्टमर के जगह। तो फिर हम नेक्स्ट अभी मेरा कुकिंग जगह दिखाऊंगी मैं। तो देखो कितना प्यारा है, प्यारे से मैंने बनाया है। तो फिर यहाँ पे ना सारा मतलब कुकिंग है, यहाँ पे ओवन है। फ्रेंड्स आप बोलोगे ओवन में ये कौन लगते हैं, बट ये ओवन नहीं है, ये एक शेल्फ है और फिर एक ओवन है। यहाँ पे सारे खाना बनाने की चीजें हैं। ये मतलब मुझे लगता है कि मेहमान आ चुके हैं। हेलो मैम, आपको क्या चाहिए? वेज बिरयानी चाहिए भाई, मुझे वेज वेज ही चाहिए। मेन्यू देख क्या, ठीक है देख लेती हूँ। यमी यमी फूड है इसमें। मैं और पूछ लूँ क्या? दे दो चलो मैम। तो मैम ने तो लस्सी और चाय सॉरी बिरयानी बोला है, तो चलो अभी हम वो बना देते हैं। तो हम फ्रेंड्स पहले हम ये राइस को करेंगे साइड में और फिर हम तड़का देंगे बिरयानी। तो चलो हम तड़का देते हैं। तो अभी हम लेंगे ओनियन वगैरह वो हम कट कर लेंगे, मतलब ये सारे वेजिटेबल्स। तो चलो हम कट करते हैं। बस हो चुके और ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो हमने अगर हम डिले छोड़ दिया और फिर हम वेट करते हैं। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। अरे कब बनेगा? हेलो मम्मी, मैं तो फोन पर से ही बोल रहा है। अच्छा आपको एक बर्गर चाहिए ऑर्डर? ओके फिर हाँ मैम, आप आज हम ऑर्डर करें ना, आप आ सकते हो यहाँ पे? क्या बात है। तो ना वो कस्टमर ने बोला है कि हमें जल्दी से बर्गर चाहिए, हम 30 मिनट्स में आ रहे हैं। तो फिर हमारी 10 मिनट्स में सारा हो जाएगा, जल्दी जल्दी करिए। तो अभी फिर हम 20 मिनट्स में सारा मतलब क्या बोलते हैं उसको बर्गर बना देंगे। चलो फिर तड़का भी बोला कर दिया है। अभी हम क्या करते हैं इसमें मतलब आगे हम मसाला डालेंगे। चलो फिर हम मसाला डाल लेते हैं। मसाला डाल देंगे। चलो फिर हमारी बिरयानी बनेगी अभी। तो फिर अब तक हम क्या करते हैं, बर्गर बना देते हैं। तो मैं बर्गर बनाने के लिए ना एक मतलब क्या बोलते हैं प्लेट लेंगे हम, फिर हम सारे उसके इंग्रेडिएंट डालेंगे और फिर पैक कर लेंगे। तो मेरा बर्गर हो गया, पर मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, मैं अभी पैक भी करना है क्योंकि मैं बर्गर का पैकेट लेके आती हूँ। अरे यार ये यहाँ पे ना बहुत सारे बिल्लियाँ रहते हैं और वो
इसमें भी पीस आ रहे इसमें। Oh my God! Wow! ठीक है, हमारा बर्गर भी डन हो गया और हमारी बिरयानी भी हो चुकी है। चलो एक साथ दो दो के आम होनी हो गए है। देखो फ्रेंड्स, दो दो काम एक साथ करेंगे, इक्वल इक्वल करना चाहिए 50-50। चलो खाना तो आ गया है, चलो मैं अभी खा लेती हूँ जल्दी जल्दी से, बहुत यम्मी दिख रहा है। मैं आज से इसी ऑर्डर किया। अरे ये तो क्या बोले, लस्सी है, इन्होंने पानी बोला लस्सी लेके, चलो तो भूल गए। चलो मेरा खा के तो हो चुका है, मेरा हो चुका ठीक है। मैंने तो मैम को पांच लस्सी बोलने के अलावा क्या बोलते हैं, पानी बोल दिया, जाने दो तो मैम को समझ आया होगा। तो मैंने ना लस्सी ऑलरेडी मंगाई थी इसलिए मैंने दे दी, तो अभी मैम जा, तो मैम थैंक यू मैम, तुम्हें पैसा मिली। फ्रेंड्स ये है मनी, बाय मैम, हैव अ गुड डे। रुको रुको, आपको चॉकलेट चाहिए? नहीं चाहिए, ठीक है जाओ करते हैं। और वो प्लेट वाली 10 रुपीज, ठीक है मुझे प्लेट वाली चाहिए पिंक कलर, आई एम पिंकी पाय, और वो भी पिंक कलर, ओके। और फिर पेस्ट्री ऑरेंज कलर, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ऑरेंज कलर, और ना मुझे ऑरेंज ही चाहिए, कुछ व्हाइट व्हाइट क्रीम नहीं चाहिए मुझे, ओके। तो वो दे दीजिए 5 मिनट में दे दीजिए, ओके। और चॉकलेट भी वो आपको चाहे हाफ देते हो ना, ओके ओके। तो फ्रेंड्स मुझे तो अभी पेस्ट्री तो हम रेडीमेड ही लेके आते, क्योंकि केक बनाना पता है ना कितना मुश्किल का काम है, आपके मम्मी ने बनाया होगा ना और आपने देखा होगा तो आपको समझ आया होगा। मुझे तो आता है पर बहुत मुश्किल का काम है, फिर मुझे नहीं आता मतलब, मैं तो इसलिए हम रेडीमेड लेके आते हैं। तो हम फ्रिज में से निकाल लेती हूँ मैं एक पेस्ट्री और एक आइसक्रीम, 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम। देखो 1 स्कूप आइसक्रीम मैंने लेके आई है और एक पीस ऑफ पेस्ट्री। चलो फिर उस नन्ही मुन्नी की उसकी इसको दे देते हैं। ये लो बेटा। अरे वो कहाँ चली गई, जा हाथ धोने के लिए दे। अगर साड़ी ओढ़ने गई थी, चलो मैं तब तक मैं पहले आज
पैकिंग मेक हो जाएगी। आइसक्रीम तो बहुत ही मीठी है। बहुत यम्मी टेस्ट है। वाह कितने अच्छे अच्छे है फूड। मैं फिर जाऊंगी तो फिर नूडल्स लेके जाऊंगी। चलो फिर, बहुत लेट हो चुका है, मम्मी बुला रही होगी। चलो मैं जा रही हूँ। मेरा खाके हो गया है आई, मैं रखूंगी। चलो बाय। कस्टमर चले गए। मैं जाने जाते जाते बोल देती हूँ, मैंने खुद बनाया है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, और मेरी एडिटिंग, मेरी शूटिंग कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना। अभी भी मम्मी नहीं शूट कर रही है, देखो मैं ही शूट कर रही हूँ। ऐसे एक कैमरा में आपको दिखा देती हूँ, एंड मैं शूट कर रही हूँ। सो या फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।